नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन द फैक्टाई में आपका स्वागत है। जानते हैं आप कि किस तरीके से हमारा चैनल लगातार लगा हुआ है, आपको उन लोगों से मिलवाने, उनसे रूबरू करवाने जो लगातार डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। आज भी हम डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हैं और हमारे साथ है वो लोग जो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। बात करते हैं उनसे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? आशा ईसा। आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए? 2 साल से आ रही हूँ यहाँ पर। तो आप सब लोग लगभग कितने सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हो? हम 1987 से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। क्या आपने कभी भी कुछ ऐसा देखा या सुना जो आपको लगा कि गलत था? हमने कभी ऐसा ना कुछ देखा ना सुना। हम आते हैं, हर पंद्री पे आते हैं, हम सत्संग पे आते हैं। पिताजी इतना ज़्यादा समझाते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों को समझाते हैं ना, ऐसे समझाते हैं। हम सारा परिवार जहाँ पर आते हैं, कुछ भी कभी ऐसा नहीं देखा। और तो इस जगह के बारे में कहा गया था कि ये जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, उनके साथ यहाँ गलत होता था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो आते हैं, 13 बस में जाते हैं, हर मीटिंग अटेंड की है। हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, कभी जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। क्यों, भाई अलग है, बहने अलग है, तो ऐसा कैसे होगा? तो वो मीडिया वाले हैं जो, उनका मुंह तोड़ दबाव हम देंगे, देंगे, जरूर देंगे। आने वाला है वो वक्त, अभी आने वाला है, कुछ देर ही बाकी है। तो मीडिया में जितना कुछ भी दिखाया गया वो सब बिल्कुल गलत दिखाया उन्होंने, जो भी दिखाया बिल्कुल गलत दिखाया। हम भी अंदर जाते थे, वहाँ पर बिल्कुल सेफ है, लड़कियाँ अलग बैठते हैं, भाई अलग बैठते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। खुद जाकर आप भी देख सकते हो वहाँ पर। नहीं है, मैं मतलब एक स्कूल में मैं खुद टीचर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अनपढ़ लोग भी आते हैं, एजुकेटेड पर्सन भी यहाँ पे आते हैं, बहुत विश्वास है उनका यहाँ पे। हाईली एजुकेटेड। हमारा बेटा सीए है, नोएडा जॉब कर रहे हैं, वो भी आता है, बिल्कुल भी ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चे तो कहते हैं मम्मा है जो वही है, आप किसी और कहीं भी जाना नहीं है, उधर ही जाना है। बच्चों को भी इतना ज़्यादा विश्वास है। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सभी ने नाम जहाँ पर लिया है, बल्कि पहले नहीं लिया हुआ था हमारी शादी से। जब हमारी शादी हुई 30 साल हो गए, तो बड़ों की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, कोई बीमार है, लाचार है, उनकी सेवा करना, यही सिखाते हैं। कोई भूखा है उसको अपना राशन दो, यही सिखाते हैं। कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं वेश्यावृत्ति से लड़कियों को छुड़वा के हमारे गुरुजी यहाँ लेके आ रहे हैं। सफाई कौन करता है? सफाई कोई, किसी के कोई सीवरेज साफ कर सकता है? मैम नहीं कर सकता कोई सीवरेज साफ। हमने सफाई अभियान हमने किए हैं, इतने बड़े बड़े वेश्यावृत्ति से छुटवाए हैं, बुजुर्गों को यहाँ वो देते हैं। अगर कोई यहाँ वृद्धाश्रम हम देखते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा, हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है कि अपने बुजुर्गों को ना वहाँ नहीं छोड़ो, उनको प्यार से बोलो, छोटों को अपने बच्चों के समान, बड़ों को अपने माता पिता के समान। हमारे गुरुजी ने हमें हमेशा अच्छी शिक्षा दी है और आज हम उनकी वजह से इतना अच्छा जी रहे हैं। आप देख रहे हैं हम बहुत अच्छे यहाँ से आ रहे हैं और अभी भी हमारी इतनी संगत यहाँ जुड़ी हुई है। मालिक ने सब कुछ दिया है, इसीलिए तो हम जहाँ पर आते हैं। हाँ, मालिक ने सब कुछ दिया हुआ है, उनके कहने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ उनके कहने से हम यहाँ पे आना छोड़ देंगे। जो हमारे दिल में श्रद्धा है पिताजी के लिए वो हमेशा रहेगी हमारे दिल में, वो किसी के कहने से कभी भी नहीं ऐसा होगा कि हाँ हम छोड़ देंगे उनको।